जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। सावन में सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिष के अनुसार इस बार सावन के आखिरी सोमवार के दिन विशेष योग बन रहा है। माना जा रहा है कि इसमें पूजा अर्चना करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। 8 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है, पुत्रदा एकादशी है और इस दिन ब्रह्म योग, ययाज्य योग और सर्वार सिद्ध योग बन रहा है। अगर इस योग में अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही दोस्तों, कुछ भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिल रहा है और इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, जिसके कारण इन राशियों के लिए देखिए संतान प्राप्ति, आर्थिक क्षेत्र में और धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनएल फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सावन का महीना देखिए चतुर्मास में आता है, इस कारण इस महीने में देखिए मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार ये महीना बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक सावन के महीने की देखिए शुरुआत में ही शनि और मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु और राहु सिंह राशि में, जबकि केतु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इसके अलावा सूर्य, शुक्र और बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। सावन के महीने में बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। गुरु की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से 7 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। सबसे भाग्यशाली जो राशि है वो है वृष राशि। इस राशि के जातकों के लिए ये महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है। आगामी 4 महीने इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इस दौरान पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, अटके हुए कार्य पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। वृष राशि के जातकों के लिए देखिए आगामी ये चतुर्मास बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है और इसमें संतान और पुत्र संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। इस राशि के जातक के लिए सावन का महीना आत्मविश्वास में बढ़ोतरी लेकर आएगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस दौरान वाद विवाद से बचे, क्रोध पर काबू रखें, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी और संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग प्रदान होंगे। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस राशि के जातकों को धन लाभ के योग बनेंगे। सावन के इस महीने में कन्या राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय का जाप करने से लाभ मिलेगा और साथ ही आपको देखिए आगामी ये जो चतुर्मास है इसमें आपको पुत्र संतान के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए भी करियर में कामयाबी हासिल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही देखिए भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करें और आपको आगामी महीने में देखिए संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है आगामी 4 महीने। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, सावन के महीने में देखिए सोमवार के दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है तो आप भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें और गुरु की कृपा से देखिए संतान सुख प्राप्त होता है। इसीलिए गुरुवार के दिन गुरुवार के नियम, गुरुवार के दिन देखिए केले की पूजा अवश्य करें। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सावन के महीने में आर्थिक लाभ हो सकता है। इस दौरान वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आप अपने पार्टनर के साथ कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और आपको देखिए आगामी 4 महीनों में संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए ये महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और इस दौरान इस राशि के जातक का भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। शिव गायत्री का पाठ करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये 7 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक लाभ मिलेगा और साथ ही संतान पक्ष की तरफ से भी शुभ समाचार मिलने के बहुत अच्छे योग बने हैं। साथ ही दोस्तों, जो अन्य राशियां हैं उनको भी देखिए संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं।
हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़े से अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप सावन के सोमवार के दिन अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं सच्चे मन से, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि इस दिन देखिए सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। अगर इस योग में अगर आप पूजा करते हैं सच्चे मन से, भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो आपको निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को